हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए समझे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति समझिए, त्रि मतलब क्या होता है बाबू? तीन। क्या होता है? तीन। और कोण मतलब तो कैसा होता है? गुणिया मतलब होता है कोण। और मेट्रोन मतलब होता है कौची माप। हिंदी में चलिए देखिए बाबू, यहाँ पे त्रिकोणमिति तीन को शब्द है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, समझ गए? अमिति मतलब माप, यानी कि तीन कोणों की माप क्या है? त्रिकोणमिति है। क्या है? तीन कोणों की माप क्या है? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का सबसे पहले खोज बाबू किए थे हिपार्कस ने। जब भी त्रिकोणमिति की बात करेंगे बाबू, तो समकोण त्रिभुज से बात करता है। किससे बात करता है? समकोण त्रिभुज से। यानी कि यहाँ समकोण होता है बाबू, तो दो को न्यून कोण होगा ना, तो क्या होगा? न्यून कोण। यानी एगो को भाई जी को थीटा मान लेंगे, तो एगो हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या हो जाएंगे? थीटा। और यहाँ पर हो गएंगे 90 डिग्री। क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे समझेंगे। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। गोनिया मतलब होता है कोण। और मेट्रोन मतलब क्या होता है? अर्थात सोने का मतलब हुआ। त्रिकोणमिति मतलब क्या हो गया? त्रिकोण मिति का अर्थ कोणों का माप। क्या होगा? कोणों का माप। त्रिकोणमिति का माप अर्थ क्या बाबू? कोणों का माप। ठीक है, ध्यान देंगे बाबू। हिपार्कस ने ये त्रिभुज लिए, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसमें वो बताया कि ये पहले तो भाई मान लिया कोई भी सदस्य तो उसका नाम रखा जाता है, तो पहले तो नामकरण करते हैं, एबीसी से नाम कर दिए। यानी कि त्रिभुज में कई को भुजा होता है? तीन को भुजा होता है। इसमें कई को दिख रहे हैं लो भाई लोग? ये कई को है? इसमें छह आदमी है। कई आदमी है? छह आदमी। देखिए कैसे कैसे, एक नंबर भाई जी, दो नंबर भाई जी, और ये हो गया तीन नंबर भाई जी। यानी कि ए सी एगो हो गए, दूसरे के ए बी हो गए, और तीसरे का क्या हो गए? बी सी हो गए। तीसरा क्या होगा? बी सी। अब तीन को होगा, तीन को तो सदस्य मिल गए, और ये भी तो है एगो चौथे सदस्य कोणवा वाले पांचवे सदस्य, और ये हो गया कितना? छठे नंबर। यानी कोणवा क्या हो गया? यानी त्रिकोणमिति में हम लोग कई को चीज मिला हो? कई को चीज मिला? छह को। यानी कि तीन को कोण और तीन को भुजा। कोई भी और बात करेगा समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज में कजी होता है, तीन को भुजा होता है, और तीनों क्या होता है? कोण होता है। आए समझ में आता? चलिए आगे बात करेंगे। मान लीजिए जब छह को आदमी है, मैं छह को नाम है, छह आदमी है इसमें, तो सभी का तो कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए ना, छह को नाम है। चलिए तो चलिए बाबू यहाँ समझ लीजिए, इसको कहते हैं लंब, इसको इंग्लिश कोष्ठ में लिख दे रहे हैं पी, पी से सूचित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण क्या है कहते हैं बाबू? क्योंकि जो सबसे सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। जिसको ऐसे हाइपोटेनस कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार मतलब जिसपे आसन लगा के बैठा हो। क्या हो? आसन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। यहां तक समझ में आया? चलिए बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी मिलकर कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आया समझ में यहां तक? अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे बात करेंगे बाबू, ठीक है? फिर समझेंगे यहाँ पे। ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज। पहले बना था सेम है, जिसपे जो खावड़ आता है यानी कि सोया है, कौन भुजा है? आसन। ये कौन भुजा? इसको आसन भुजा। क्यों इस पे? क्योंकि इस पे क्या लगा कर रखा है? आसन लगा के। आसन भुजा क्या कहते हैं बाबू? लंब कहते हैं। आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और जिसपे सम्मुख इसके देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होता है, समकोण यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मूल पॉइंट कोई भी मूल पॉइंट मान लेंगे, कोई भी क्या करेंगे? मूल पॉइंट मान लेंगे। तो इसके सामने जो भुजा होता है क्या होता है? सम्मुख भुजा। जिसपे जहां से कोण की माप शुरू करते हैं, जहां से काम शुरू करते होगा आसन भुजा। और सबसे जो बड़ होता है भाई, जो सबसे बड़ा होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी कर्ण वाले भाई साहब को हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। लंब वाले भाई साहब इनको पी से सूचित करते हैं, और इसको किससे सूचित करते हैं? बी से। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। आया संबंध में? कितने संबंध होते हैं बाबू? छह गो होता है। इसमें छह गो सदस्य है, तो छह गो का तो नाम पता होना चाहिए ना कोनो, यानी तीन गो, तो छह गो है सदस्य में। चलिए हम नाम डाल रहे हैं छह का। तो बाबू पहला होता है हिंदी में पहले नाम, मान ली कोई किसी का पहले नामकरण किया गया हिंदी में। हिपार्कस साहब जो थे
पहले क्या नाम किए, हिंदी में किए, पहला का नाम दिए जया, पहला क्या नाम दिए जया, दूसरा नाम दिए कोजया, क्या नाम दिए कोजया, तीसरा नाम दिए अस्पर्शिया, क्या नाम दिए अस्पर्शिया, तीसरा क्या नाम दिए अस्पर्शिया, चौथा नाम दिए वो कोटी अस्पर्शिया, कोटी अस्पर्शिया, और जो पांचवे व्यक्ति हुए हैं ये पांचवे के नाम दिए वो ब्यूकोजिया, ब्यूकोजिया। और छठे जो व्यक्ति थे, छठा आदमी थे, उनका उन्होंने नाम दिया ब्यूजिया, क्या नाम दिया उन्होंने ब्यूजिया। ये तो हिंदी में नामकरण कर दिया, कितना गजब है, तब इसका वो नामकरण किए इंग्लिश में। एकरा का नाम दिए वो साइन, क्या नाम दिए साइन, क्या नाम दिया साइन, और इसको नाम दिए कोसाइन, जया मतलब जा साइन, इसका क्या हो गया कोसाइन, और इसका नाम दिया वो अस्पर्शिया यानी कि टेन, टेंजेंट, क्या नाम दिया उन्होंने टेंजेंट, ठीक है, और इसका नाम दिया वो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और इसका नाम दिया वो सेकेंड, क्या नाम दिया सेकेंड, और इसका नाम दिया वो कोसेंट, कोसेंट, क्या नाम दिया कोसेंट, आया समझ में आता, क्या नाम दिया कोसेंट। चलिए यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया, फिर भी देखिए बाबू ये नामकरण तो कह दिए, कितना अटपटा लग रहा है, अटपटा लग रहा है ना। तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया नाम, क्या नाम दिया जो हिपार्कस साहब थे, शॉर्ट नाम दिए, क्या नाम दिए देखिए, क्या इसको साइन थीटा सादे दिए, साइन नाम दिए, ठीक है, और इसको दे दिए कोस, और इसको दीजिए टैन, और इसको नाम दिए कॉट, और एकरा का नाम दे दिए सेक, और एकरा का कह दिए कॉसेक, का कह दिए कॉसेक। यहाँ तक समझ में आया, चलिए, और सब तो एक ही आदमी के सदस्य है ना, याद रखिए पिताजी का नाम होता है तो बेटा लोग के साथ जुड़ता है ना, मान लीजिए कोनो ना कोनो टाइटल होता है तो टाइटल में डाल दिए ठीठा, सबके साथ का हो गए ठीठा। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए आगे समझेंगे हम लोग, यहाँ तक तो ये लिखा हो, यहाँ तो समझिए, यहाँ तक यहाँ तो साइड लिखे हो, तो आप अभी आपको लिखा गया सामने मिल जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा। चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कितना सदस्य थे बाबू, छह गो सदस्य थे, छह आदमी का नाम आपका सामने आ गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, आया समझ में आता। अब चलिए बाबू यहाँ तक भी आप समझ में आता, जो इस पर यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों जो कितना होता है 180, यानी कि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, यानी कि थीटा है तो ये कितना हो सकता है 90 माइनस थीटा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये थीटा है, याद रहेंगे जे टुकुर टुकुर टाकेगा अपने भाई से, सीधे टाकेगा टुकुर टुकुर, तू हो जाएगा लम, उका हो जाएगा लम, जहाँ आप बैठल है वो हो जाएगा आधार, और सबसे बड़का जो होता है भाई वो भाई बदलता नहीं, अपना रूल नहीं बदलेगा, जैसे का तैसा रहता है, जैसे का तैसा रहता है। तो चलिए बाबू अगर हम मान लीजिए थीटा का बदला में यहाँ पे थीटा रख दें तो साइन थीटा, पहला क्या है साइन थीटा, तो बाबू ये तागर है टुकुर भाई का कहते रहो सुनब, तो चलिए ये तागर है टुकुर टुकुर, तो इससे लम कहे का भाई जी, अगर बगल में कौन है आधार वाला से कह रहे से का कहते हैं बोलिए, तो का हो ये आधार, आया समझ में, आप तक समझ में आया, चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, अब चलिए आगे, ये तो क्लियर हो गया, अब ई कह रहे हैं ये तो पहले टुकड़ टुकड़ टाक लिया उन्हें, अब जब ये बात करेंगे इनके सामने आएंगे, अब फिर इनका जब बात करेंगे आगे, चलिए ठीक है। अब चलिए ई भाई साहब के हैं, इस जब ये बात करेंगे तो इनका उल्टा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे सीधे उलट जाएंगे, सीधे क्या हो जाएंगे एक मिनट सॉरी बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये लॉम कोसाइन थीटा का बात करेंगे, तो सबसे पहले बड़े बड़े भाई से ना बात करेंगे हम लोग, तो बाबू बड़े भाई से बात किया जाए, चलिए इसके सामने वाला क्या होता है लॉम, लॉम बटा में हो जाएगा कर्ण, कर्ण वाले भाई साहब ये इनसे ताके, और ये देखिए एक दूसरे से शॉर्टकट बना रहे हैं, ये कह रहे हैं का भाई का हलवा, ठीक है, फिर लॉम वाले बोले, हाँ बोले बोले कर्ण वाले बोले का कह रहे हैं आप, बात ये अपने में शॉर्टकट कर लिए लो,
अब चलिए आगे कॉस थीटा की बात करेंगे। अब ये तो लंब वाले कर्ण वाले एक दूसरे से कर लिए, अब कर्ण, अब ये कर्ण वाले कहेंगे इनसे, मान लीजिए ये एक दूसरे से तो कर लिए लो अपन साठ घट तो कर लिए लो, ये भाई लो दोनों भाई, ये साठ घट की ये लंब वाले भाई से पहले इनको बोले और ये तुरंत बोल दिए इनको, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये बात करेंगे तो एक उल्टा होता है कौची कौशिक, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा कौची लंब, क्लियर समझ में आया था, इनके भाई साहब के उल्टा ये हो गए, समझ में आ गए। चलिए आगे अब बात करेंगे किसके बारे में, कॉस के बारे में, कॉस वाला जब बात करेंगे इनका संबंध तो एक दोनों निकल गए तो भाई संबंध बच रहा है ना भाई, बच रहा है तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये दोनों एक दूसरे का क्या बनाइए कि दोस्ती वोस्ती कर लिए लो अपना में, देखिए ये वाले हो गए, ये वाले हो गए और ये भी हो गए, अब बच गए कौन लंब और आधार, तो टेन थीटा का बात करेंगे ये इनके तरफ टुकुट टुकुट ताक रहे भाई, क्या खबर बा ठीक बा ना, ठीक बा ताक रहे इनके तरफ, तो लंब वाले भाई साहब से कह रहे हैं तो ये हो गए लंब बटा आधार, क्या हो गए लंब बटा आधार। अब देखिए अब इसका तो अब चलिए बात सॉरी इसका अब चलिए अब इसका उल्टा थे, यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक, तो कौश का उल्टा क्या होगा सेक, आधार बटा कौन है यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन बटा आधार, टाइम क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका उल्टा ही हो गया, दोनों एक दूसरे से साठ घाट कर ले लिए सब सभी आदमी। अब चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो बाबू P बटा H, इसका आ जाएगा B बटा एच, यही लंब को P से जुड़ जाएगा P बटा B, और इसका आ जाएगा B बटा P, और ये हो गया H बटा B, ये हो गया एच बटा P, आया समझ में आया तक, मेरे को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको मैं एक बहुत ही चलता फिरता एक ट्रिक बता रहा हूँ, चलता फिरता एकदम पाकिस्तान में एकदम दिखा दीजिए, तब बबुआ देखिए पी 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 बी पी पी बी पी बटा एच एच बी एच एच बी, तब बबुआ देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, पी मतलब यहाँ पर चलेंगे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा क्या हो जाएगा टैन, तीसरा क्या होता है टैन, ठीक है, या फिर इससे भी बेटर सूत्र पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा, पी मतलब फिर प्यासा हिंदुस्तान हो गया हरा और ये हो गया भरा, आया समझ में यहां तक, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलिए इसी चीज को हम लिख सकते हैं पी बी पी बटा एच एच बी, तो देखिए इसके लिए क्या कर रहा है, तो बबुआ पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है, यहां समझ में आया, आया समझ में। अब इसका उल्टा बना दीजिए, अगर हम भाई यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस का देखिए उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा क्या है सेक हो जाएगा सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है, कॉसेक है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे, अभी इसको भूल जाइए, एक याद करेंगे जोड़ते नहीं है इसको, बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, देखिए साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, अब उलट दीजिए इसको उलट दीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बटा पी, और एच बराबर क्या हो जाएगा पी बटा सेक थीटा क्या होता है एच बटा बी, कॉस सेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, आया समझ में आता, बढ़िया समझ में आएगा मेरे ख्याल से आप सभी को, यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे और भी सवाल मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक चीज आप यहीं पे इसी में समझ लिया जाए,
एक चीज है हम लोग यही पे समझ लिए यहाँ पे स्पेस से थोड़ा सा, यदि हम पी को लंब कहें और बी को आधार कहें और एच को क्या कहें कर्ण, तो कर्ण वाले भाई से आपका एक फॉर्मूला यह रहेगा कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर बात करेंगे हम किसका पी निकालने का, पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी स्क्वायर बराबर पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में आता। चलिए तीसरा पॉइंट मिलेगा हम लोग को, अगर हम बात करेंगे बी स्क्वायर के बारे में और बी स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा तो बाबू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटता है तो भाई जी रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ा दीजिए। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी सूत्र है उसको लेकर। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।